दीदी, बहुत साल के बाद आई हो तुम। पिछले साल भी तुमको दिवाली पे बुलाए थे, नहीं आई थी। इस साल आई हो तो देखना कितना रौनक भर जाएगा घर का। तुम आती हो ना तो कुछ बात ही अलग होता है। अरे हाँ हाँ कद्दू, इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ और अपना नया गोद लिया हुआ बच्चे को भी साथ में लेके आई हूँ। कैसा लग रहा है मेरा बच्चा? अरे दीदी, तुम्हारे पास तो अपना बच्चा है ना, तो फिर गोद क्यों लियो? अरे गोद में खेलने वाला बच्चा नहीं है ना, वो बच्चा सब तो बड़ा हो गया है, इसीलिए इसको गोद लिए, क्योंकि हमको बच्चा को गोद में खिलाने में मजा आता है। तुमसे तो मांगे थे ना गोरा कद्दू, लेकिन तुम दिया नहीं। नहीं तो आज ये गोरा कद्दू मेरे गोद में बैठ के चूहा का मुरब्बा खा रहा होता। क्यों बेटा गोरा कद्दू, चूहा का मुरब्बा खाएगा? बुआ लेके आई है। अरे नहीं नहीं बुआ, पेट मेरा भरा हुआ है। अरे थोड़ा टेस्ट करके देखो, तुम्हारे लिए स्पेशल बना के लाई हूँ, अच्छा लगेगा। ये काला कलूठा तो नहीं खाएगा, इसको तो नौटंकी है ना, तुम ही खा के देखो। बुआ बना के आई है प्यार से, खा के देखो। इस बार तुम्हारे लिए स्पेशल चीनी भी ज्यादा डाले है। अरे नहीं नहीं हमको नहीं खाना बुआ, चूहा का मुरब्बा आप ही खाइए। अरे कद्दू, ये लड़का भी बिगड़ गया काला कद्दू के साथ रह के, देख रहे हो ना कैसे उल्टा जवाब दे रहा है। हम प्यार से बात कर रहे हैं, ये उल्टा जवाब दे रहा है। ए बदतमीज, बुआ से ऐसे क्या बात करता, तमीज से बात करो, बुआ जो कहती वो करो, खा के देखो मुरब्बा। एक तो बुआ आती नहीं है, आई है तो नाटक कर रहे हो तुम। अरे ये बुआ लगाई आग, इनका काम ही यही है, जब भी आती है तो घर में आग लगाती है। बुआ बाद में खाएंगे, हम खाना के साथ अभी नहीं खाएंगे। और तुम रे, मुंह क्यों फुला के बैठा है रे करिया? बुआ ये तो तुमको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं नहीं बुआ, बुरा क्या लगेगा, अच्छा लग रहा है आप आई है तो। पापा सही बोले, आप आती है घर में तो रौनक आ जाता है। लेकिन एक बात पूछे बुआ, आप हमेशा चूहा का मुरब्बा क्या खाती हैं? आम का मुरब्बा भी खा सकती हैं, बड़ा अच्छा होता है खाने में, टेस्टी होता है। हाँ तो इस बार आम का मुरब्बा और चूहा का मुरब्बा मिक्स करके बना के लेके आई हूँ तुम्हारे लिए, टेस्ट करके देखना अच्छा लगेगा। अरे ये बुआ एकदम पगली है, कुछ भी बनाएगी उसमें चूहा का मुरब्बा जरूर मिलाएगी। चूहा का मुरब्बा आम का मुरब्बा में कौन मिलाता है? ठीक है बुआ, खाकर देखेंगे, पहले गोरा कद्दू खाएगा, अगर अच्छा लगा तो हम भी खाकर देख लेंगे। ऐसे हमको चूहा हुआ अच्छा नहीं लगता है ना बुआ। आ, तुम लाट साहब जो है करोड़पति समझता अपने आप को। अच्छा दीदी ये सब छोड़ो, ये बताओ जीजा जी कैसे है? अरे बहुत बढ़िया है वो भी। अच्छा ये बाबू जो है इसका नाम क्या है? अरे इसका नाम है सिकंदर। सिकंदर नाम है इसका, बढ़िया नाम है। और बेटा सिकंदर कैसा है? अपने बाप के जैसा है। दीदी तुम तो कह रही थी हम इसको गोद लिए, लेकिन ये कह रहा कि हम अपने बाप के जैसा है, ये अपना बाप को देखा है क्या? अरे नहीं नहीं ऐसे ही मजाक करता है। बेटा हम ये नहीं पूछ रहे तुम्हारा चेहरा किससे मिलता है, हम ये पूछ रहे हैं तुम ये बताओ तुम है कैसा, ठीक है ना? आपको कैसा दिख रहा है? अरे ये बच्चा तो थोड़ा हमको टेटिया टाइप का लग रहा है, बढ़िया ही दिख रहे हो बेटा। हाँ तो बढ़िया ही होंगे ना। हाँ ठीक है, ये दोनों मेरा बेटा है, गोरा कद्दू और काला कद्दू। हाँ ठीक है, तो हम क्या करें? अरे बेटा बात करो। अरे हम क्या बात करें, ये लोग नहीं कर रहा बात हमसे। अरे दीदी ये बच्चा तो ईगो वाला लगता है, कह रहा पहले ये लोग बात करेगा तब करेगा। हाँ थोड़ा गुस्से वाला है ये। चलो काला कद्दू बात करो सिकंदर से। कैसा है रे बंदर, चूहा का मुरब्बा खाता है? हाँ तुम्हारा बापी तो खिलाता है छछंदर। अरे काला कद्दू ये लड़का तो तुम्हारा बेइज्जती पे बेइज्जती किया जा रहा है। काहे तुमको बर्दाश्त नहीं हुआ, तुम्हारा भी करे चमकादर। अरे तुम हमको चमकादर कैसे बोला रे फटावा चादर? अरे मुंह से बोले क्या कह लेगा रे सुअर का फादर। अरे क्या बकवास करा, हम किसी का फादर नहीं है, मेरा शादी नहीं हुआ। हाँ तो तुम्हारे लिए तुम्हारा मौगी हम ढूंढ के दे क्या? पापा इसको समझा दीजिए, क्या बकवास करा ये, तुम ऐसा बच्चा लोग को गोद नहीं लेना चाहिए, आपको पता नहीं है? ऐसा बच्चा लोग को तो पिछवाड़ा में लात मारना चाहिए। अरे क्या बकवास करा है गोरा कद्दू तुम, ये मेरा प्यारा सिकंदर है। अरे ये आपका बेटा सिकंदर है कि लफंदर है? बात करने का तमीजी नहीं है, एक नंबर का लफंदर है लफंदर। इसका नाम सिकंदर से बदल के लफंदर रख दीजिए, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके पर्सनैलिटी से मैच भी करेगा ये नाम। वैसे तो तुम्हारा पर्सनैलिटी से सुअर मैच करता है, तुम्हारा नाम सुअर रखे क्या? ज्यादा बोलेगा तो इज्जत उतार देंगे ऐसे मुंह पे। गोरा कद्दू शांत रहो, मेहमान है, दिवाली के दिन आया, तुम लोग बकवास कर रहा है, छोटा बच्चा है बुद्धि नहीं है उसको। हमको बहुत बुद्धि है, आपको बुद्धि नहीं है इसीलिए आपका बच्चा लोग को भी बुद्धि नहीं है, और आप बादाम खाने से भी आपको बुद्धि नहीं आएगा,
क्योंकि उम्र हो गया है ना आपका। अरे दीदी क्या बकवास कर रहा है आपका बेटा, किसको आप गोद ले लिए? इसको बात करने का तमीज ही नहीं है, बड़ा लोग से कैसे बात किया जाता है? आपको जैसे लगता है बहुत तमीज है कि छोटा लोग से कैसे बात किया जाता है। सिकंदर बेटा ऐसे बात नहीं करते है, मामा जी है तुम्हारा, चलो सॉरी बोलो मामा को। मामा जी सॉरी? हाँ ठीक है कोई बात नहीं, गलती हो जाता है। हाँ तो आप भी सॉरी बोलिए ना, गलती हुआ है तो। अरे हम अपने लिए नहीं कह रहे, तुम्हारे लिए कह रहे कि तुमसे गलती हुआ था। अरे वो तो हमको भी पता है, सॉरी हम नहीं बोलना चाह रहे थे, मम्मी बोलिए तब बोल रहे हैं आपको, हमको पता है गलती कर रहे सॉरी बोल के। अरे चुपड़ा चुपड़ा बहुत बोल रहा है तुम। आ गोला कदू, मिठाई का नहीं खिला रहा बुआ को? अरे तो बुआ का मुंह में डाले क्या मिठाई, सामने तो पड़ा, खा ले बुआ जी, खा लीजिए मिठाई, खा लीजिए। आपके यहाँ से मिठाई नहीं मिलता होगा, आप तो चूहा का मुड़ा भाई खाती होंगी ना, ये खा के देखिए। अरे बेटा खाएंगे हड़बड़ा क्यों रहे हो, हाथ मुंह तो धोने दो, उसके बाद सब खाएंगे। मम्मी तुम तो बोली थी कि मामा जी के यहाँ जाएंगे तो मामा जी पटाखा दिलाएंगे दिवाली का, मामा जी तो पूछ ही नहीं रहे, बोलो ना। अरे कद्दू इसको पटाखा दिला दो तो। अरे ये अपने कम पटाखा है, तब से तो फूट ही रहा है। अरे हाँ बहना अभी दिलवा देते हैं, कौन सा पटाखा लेगा ले बाबू, घिरनी लेगा, ले आएंगे हम जब दुकान से आएंगे तो। ले नहीं आएंगे हम, आपके साथ चलेंगे, पसंद करके हम लेके आएंगे, हम सिर्फ घिरनी नहीं जलाते है, अनार भी जलाते है, रॉकेट भी जलाते है, और वो महंगा वाला पटाखा सब आता है ना जिससे स्टार बनता है ऊपर में, वो भी फोड़ते है, कम से कम 5,000 का लेंगे। अरे बहना क्या बोल रहा है ये, बच्चा लोग हम 500 से ज्यादा पटाखा नहीं दिलाते है। अरे पहली बार आया है तुम्हारे यहाँ, नाम नहीं बदनाम करो कद्दू अपना, हम इसको बोले मामा बहुत पैसे वाला है, दिला दो, अपनी बड़ी बहन के लिए तुम 5,000 खर्च नहीं करोगे? अरे बहना तुम कह रही हो तो खर्च कर देंगे, कोई बात नहीं। तो ठीक है पापा, अभी आप जाइएगा ना पटाखा लेने इसके साथ, तो हम और गोरा कद्दू भी चलेंगे, हम लोग को भी दिला दीजिएगा, इस बार तो आप दिलाइएगा हम लोग को भी 5,000 का, कहे कि इसको दिला रहे हैं। अरे हाँ दिलाएंगे तुम लोग को, पहले तुम दोनों मेरे साथ अंदर चलो, और बहना तुम तब तक नहा लो। पापा आप हम लोग अंदर क्यों बुलाए, ज्यादा का पटाखा हम लोग को दिलाइएगा क्या? अरे बेटा समझो बात को, हमको नहीं पता था ना कि दीदी आ जाएगी अचानक से, और दीदी किसी बच्चा को गोद लिया ये भी नहीं पता था, अब बच्चा को लेके आ गई है और दीदी सामने से कह रही है कि 5,000 का पटाखा दिला दो, अब दीदी बोल रही है तो दिलाना पड़ेगा, तो एक काम करो तुम लोग इस बार पटाखा नहीं फोड़ना, वो फोड़ेगा ना तुम लोग खाली देखना। अरे क्या बकवास करे पापा, वो हम लोग का घर में आएगा और पटाखा फोड़ेगा आपका पैसा पर, और हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, वो भी उस चोर को पटाखा फोड़ते हुए देखेंगे, यही बात करने के लिए हम लोग अंदर बुलाए हैं। हाँ सब चीज उसके सामने बोलेंगे, हमको पता था वहाँ बोलेंगे तो तुम लोग चिल्लाने लगोगे, इसलिए तो अंदर लेके आए। कभी बड़ा वाला बात भी किया करो तुम लोग, अब तुम लोग बच्चा थोड़ी ना है, वो तो बच्चा है, खाली पटाखा में आग लगाने से थोड़ी ना कुछ मजा आता है, पटाखा फूटता है तो उसको देखने में मजा आता है, तुम लोग आग लगाओ या वो आग लगाए बात तो एक ही है, फूटेगा तुम लोग के घर में ही देखना। अरे वही देखना होगा तो दूसरा लोग जो पटाखा फूटता वही नहीं देखेंगे तो अपना क्यों खरीदेंगे? अरे बात तो तुम्हारा बिल्कुल सही है, अगला बार से वो भी नहीं दिलाएंगे, दूसरे का ही देखेंगे, एकदम सही बोला तुम, फालतू पैसा खर्च करते इस समय, पैसा भी उस लोग का, रिस्क भी उसी लोग का, और मजा हम लोग को मिलेगा। अरे आप रहने दीजिए, आपसे कुछ नहीं होगा, आप उस पागल को पटाखा दिलाइए, आप हम लोग अपना पैसा जो जमा किए ना उससे पटाखा खरीद कराएंगे और अलग से फोड़ेंगे, घर में नहीं फोड़ेंगे हम लोग, वो पागल को बोलिए फोड़ेगा बैठकर। अरे पागल ऐसे नहीं करना है, दीदी बोलेगी कि हम आए इस लोग के साथ दिवाली मनाने और ये लोग ऐसे नाटक कर रहा है, पागल है क्या तुम लोग? चलो तुम लोग भी चलो साथ में, पटाखा देख लो जो पसंद आएगा ले लेंगे, लेकिन 5,000 का ही लेंगे, उसमें से कुछ पटाखा तुम लोग से ही फोड़वाएंगे।